सब लोग गए मंदिर अपनी खुशियां मांगने, लेकिन जब भी वापिस आएंगे तो पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा अपना चुराया हुआ सामान मांगने। चल बेटा 420 हो जा शुरू। बालवीर अभी तक नहीं लौटा है, पता नहीं क्या सोचा है उसने। चित्र खींचू यंत्र से न जाने क्या योजना बनाई है उसने। खुश रहो माँ, खुश रहो। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। बालवीर आप थे कहाँ, इतना समय हो गया। यहाँ सारे परिया मुसीबत में हैं और आप चित्र लेने गए थे। आखिर आपकी योजना क्या है बालवीर? माँ माँ, मैं जो भी कर रहा परियों को बचाने के लिए ही कर रहा। मैं जानता हूँ कि जब तक वो सुनहरा ताला उस कैद खाने पे लगा है, परियों को बचाना असंभव है। लेकिन ये मेरा वादा है आपसे माँ कि मैं अपनी योजना से जल्दी उस सुनहरे ताले को भी लेकर आऊंगा और परियों को भी। लेकिन कैसे बालवीर? माँ वो मैं आपको बताऊंगा नहीं बल्कि दिखाऊंगा, और उसके लिए आपको मेरे साथ परी मैदान में चलना। ठीक है चलो। महेश महेश भाई कौन है आप? ताऊ जी। गलत, मेरे ताऊ जी तो दिल्ली में है। अरे मैं महेश की माँ के ताऊ जी हूँ। तो भी गलत, अगर आप महेश की माँ के ताऊ जी है तो इस हिसाब से आप महेश के नाना ताऊ जी हुए। क्या हुआ, गला दुख रहा है, दबा दूं? महेश और पूरा परिवार मंदिर गए हैं दर्शन करने, अभी आते ही होंगे। आप बैठिए। यहाँ नहीं, आप अंदर बैठिए, मैं भी अभी आता हूँ। जी 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 जी। हाँ मजा आ गया दर्शन करने का। आराम से बेटा, आराम से बेटा। नमस्ते। बहुत गलत वक्त आ गए हो। सही सही, बहुत सही वक्त पे आ गए हो तुम सब। तुम्हारे बॉस तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अगर ये बॉस का बच्चा यहाँ नहीं आता तो मैं आराम से यहाँ से निकल चुका होता। अरे अमृतलाल जी, आप जानते हैं आपका बेटा कितना होनहार है, कितना इंटेलिजेंट है, कितना काबिल है, कितना पता है? आपको कैसे पता? आपने ही तो बताया अभी। ये देख मैं तुम्हारे लिए क्या लाया, प्रमोशन की चिट्ठी, और अपने हाथों से देने के लिए अपने पैरों पर चलकर आया। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू। आपके पैर कहाँ है? यहाँ है। कहाँ? नीचे नीचे नीचे। अजीब पागल आदमी हो आप। बचपन में पागल खाने में गए थे क्या? अभी अभी वहीं से आ रहे हो? या फिर तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉक लगा है इसलिए तुम्हारे बाल खड़े हो गए हैं? अरे 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 बच्चा, कर क्या रहे हो तुम? संभाल के। डूबा डूबा एक, डूबा डूबा चार, इन पुतलों की अच्छे से निगरानी करना। और हाँ ध्यान रहे, इनके कपड़े खराब नहीं होने चाहिए। जी नटखट परी। अरे वाह बालवीर, आप तो कह रहे थे कि आप छल्लोक सिर्फ चित्र लेने चाह रहे, लेकिन आप तो सारी परियों को छुड़ा कर लेकर आए। वाह बालवीर, हम अभी जाकर उनसे बात करते हैं। भटकाती परी, गाल परी। माँ रुकिए, वो आपकी आवाज सुनकर यहाँ नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि वहाँ जो है वो असली परियां नहीं है बल्कि वो परियों के पुतले हैं। हाँ
पुतले? लेकिन क्यों? ये सब क्या चल रहा है बालवीर? माँ, ये सब छल परी से परियों को बचाने की योजना का एक हिस्सा है। हम कुछ समझे नहीं, इन पुतलों के साथ आप क्या करेंगे? आपकी आपकी योजना क्या है बालवीर? छलेंगे छल परी को बाल परी, जैसे आपको दूर से ऐसा लगा कि ये असली परियां हैं। बिल्कुल उसी तरह छल परी को भी दूर से यही लगेगा कि ये सब असली परियां हैं, जो उसके कैद खाने से छूट गई और वापस परी लोग की ओर जा रही। और फिर छल परी घबराहट में अपने कैद खाने पे लगे सुनहरे ताले को खोल देगी, ये देखने के लिए कि परियां सच में भागी है या नहीं। और अंदर उसे जो दृश्य दिखेगा वो उसका बनाया हुआ कैद खाना नहीं होगा, बल्कि वो होगा नटखट परी का बनाया हुआ कैद खाने का चित्र। हाँ बालपन, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। डूबा डूबा दो, डूबा डूबा तीन। बालवीर, आपकी ये योजना तो बहुत ही अच्छी है। बालवीर, अब हमें पूरा भरोसा है कि आप और नटखट परी मिलकर हमारी परियों को और उस सुनहरे ताले को छुड़ा कर ले आएंगे। शाबाश बालवीर। शुक्रिया माँ। अरे ताऊ जी, आप क्या बोल रहे हैं? आप और मैं ही तो क्या कहूँ, डाक से नहीं भेज सकते थे लेटर, खुद आने की क्या जरूरत थी? अगर आए नहीं होता तो अब तक तो मैं भाग चुका होता। क्या मतलब? मेरे जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाने के लिए मैं थोड़ा भागना चाहता था, जॉगिंग जॉगिंग रनिंग। अब लेकिन महेश, तुम्हारे ये मेहमान है तो इन्हें अकेले छोड़ के कैसे जा सकता था, इसलिए इनको कंपनी देने के लिए मैं यहाँ रुक गया, क्योंकि मेहमान भगवान होता है। भगवान, इस भगवान का बुरा मत मानना, थोड़े जज्बाती हैं, और सर दिल के बुरे नहीं है। महेश महेश, मैं जानता हूँ तुम्हारे परिवार का कोई भी सदस्य दिल का बुरा हो ही नहीं सकता, पर दरअसल इनकी बात भी सच है। यहाँ आने की एक और वजह है, और वो ये कि मैंने अपनी पत्नी के लिए एक कीमती अंगूठी खरीदी है। मैं स्मिता भाभी को ये अंगूठी दिखाना चाहता हूँ ताकि वो मुझे बताए कि मेरी पत्नी को ये अंगूठी पसंद आएगी या नहीं। अरे सर, जेवर और औरतों को पसंद ना आया से हो ही नहीं सकता। ये कीमती अंगूठी तो मुझे भी पसंद आ गई है। अंगूठी कहाँ गई? कुत्ते ने खा लिया। डुबाइक, जैसे ही छल परी हमारे सामने आएगी, तुम ये रथ उससे थोड़ी दूर पीछे की ओर खड़ा कर देना, और इस रथ को ऐसे खड़ा करना कि छल परी को परियों के चेहरे दिखाई ना दे, ठीक है? है ठीक बालवीर, करूंगा मैं ऐसे ही। डुबा डुबाइक, ये लो सफेद मोती। जब छल परी तुम्हारे पीछे आएगी हा? तो तुम कहीं दूर जाकर इस मोती को अपने मुंह में रख लेना। तुम्हारे ऐसा करते ही तुम सीधे परी लोग पहुंच जाओगे। शुक्रिया नटखट परी, और बालवीर तुम रखना तुम भी अपना और नटखट परी का ख्याल। ठीक है, चलिए नटखट परी, चलो भाई।
सर आप ठीक है? महेश सॉरी सर, सॉरी हाँ मैं ठीक। अरे मैं अभी भी यहीं पे हूँ। ये कुत्ता मेरी अंगूठी निगल गया। सॉरी सर, उसे कुत्ता मत कहिए, उसका नाम ढोकला है। अरे ढोकला नहीं, ये ठग है, ठग। अरे मेरी कीमती अंगूठी निकल गया है ये कुत्ता। अरे क्या कीमती लगा रखा है, इतनी सी तो अंगूठी थी, उससे तो इसका पेट भी नहीं भरा होगा। अच्छा इतनी सी अंगूठी थी? हा? तो क्या तुम इसे रोज सोने की ही खिलाते हो? हाँ। अरे क्या हा? अरे महेश कैसे लोगों को तुमने घर में पना दी है? सर प्लीज। अरे क्या प्लीज? अरे ऐसे लोगों को तो गांव में रहना चाहिए, गांव में। इनका तो काम ही ये है कि शहर में आते हैं और दूसरों का माल हजम कर लेते हैं। राम नाम जपना, पराया माल अपना। शर्म नहीं आती ऐसा काम करते हुए? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मुझे कितना नुकसान हुआ है, तुम्हारी वजह से। सर आपको इन्हें तुम नहीं आप कहना चाहिए, ये हमारे बुजुर्ग। बुजुर्ग नहीं, धरती का बोझ है, धरती का बोझ। बुजुर्ग है तो क्या मेरी अंगूठी निकल जाना चाहिए तुम्हें? अरे अंगूठी मैंने नहीं निकली, ढोकले ने निकली है। अरे ढोकला कहो, खमण कहो, फरसान कहो, सब एक ही बात है, एक ही बात। जानता हूं मैं तुम लोगों को, तुम तो है ना बड़े बड़े चलाक हो, चोर। मैं इसे जेल भिजवाऊंगा, जेल। सर अब अगर आपने हमारे ताऊजी के खिलाफ एक भी शब्द कहा, मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे बॉस हैं। महेश, तुम भी इस अनपढ़ गवार देहाती का साथ दे रहे हो? सर आप जिन्हें अनपढ़ गवार देहाती कह रहे हैं ना, वो हमारे बुजुर्ग हैं, अतिथि हैं, और अतिथि के सम्मान की रक्षा करना हमारा फर्ज है, और यही हमारे घर के संस्कार है। इसलिए आप हमारे अतिथि का अपमान नहीं कर सकते। आपका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने की जिम्मेदारी मेरी। सर आप मुझे बोनस मत दीजिए, जब तक आपका नुकसान पूरा नहीं होता तब तक आप मेरी सैलरी में से पैसे काटते रहिए, और सर ब्याज भी ले लेना। अच्छा ब्याज भी ले लेना, पगार काटना, ये सब तो तब होगा ना जब तुम्हारी नौकरी रहेगी। मैं अभी इसी वक्त तुम्हें नौकरी से निकाल देता। कल से मेरी ऑफिस में कदम तक नहीं रखना। ये लो तुम्हारी नौकरी, हटाओ। अरे दाऊजी आप ठीक तो है ना? हाँ मैं तो ठीक हूं, लेकिन महेश बेटा तुमने मेरे और मेरे ढोकले की वजह से तुम्हारे पूरे परिवार के सपने तोड़ दिए। तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा बोनस सब जाने दिए। दाऊजी नौकरी पैसा एक बार गए ना तो वापस आ सकते हैं, लेकिन सम्मान एक बार गया ना तो कभी वापस नहीं आता। मैं अपने बॉस की ओर से आपसे माफी मांगता हूं। अरे नहीं 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 महेश बेटा, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मेरे और ढोकले की वजह से तुम्हारी नौकरी गई, तुम्हारा प्रमोशन गया। माफी मांगने वाली हरकत तो हमने की है। बेटा तुम मेरी वजह से अपना पगार मत कटवाओ, मैं तुम्हें कैसे भी करके पैसों का बंदोबस्त करके दे दूंगा। तुम वैसे ही रिंग खरीद के अपने बॉस को वापस दे देना। नहीं नहीं ताऊजी, आप हरगिज ऐसा नहीं करेंगे। ताऊजी आप हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे अतिथि हैं, और उससे भी बढ़कर आप मेरी माँ के ताऊजी हैं। आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभालूंगा, आप बस जाके आराम कीजिए। जाइए आप आराम कीजिए।
बेटा छलपरी तो नहीं, वो कोबा कोबा और तोबा तोबा है। हाँ बालवीर, और मेरे बनाए हुए चित्र को लगाने के लिए इन दोनों को यहाँ से हटाना होगा। ये तो बहुत आसान है छलपरी, क्योंकि बुराई की सबसे बड़ी कमजोरी होती है लालच। समझ गई बालवीर। लड्डू कबा कबा, क्या है देख रहा तू भी वही जो देख रहा मैं? दगड़दुम दगड़दुम दगड़दुम, तुम्हारा पता नहीं पर मेरे सामने दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी। आग पे क्यों मारता है? इधर देख। अरे वाह दगड़दुम लड्डू। तोबा तोबा, ये खाली नहीं पकड़ सकते। तू पकड़, क्या पकड़ के? अब आप अपना बनाया हुआ चित्र यहाँ लगा दीजिए। हाँ बालवीर। नटखट परी, अब समय आ गया है छलपरी को बुलाने का। हाँ बालवी, लेकिन उससे पहले तोबा तोबा और गोबा गोबा को ये बेहोशी वाले लड्डू खाने देते हैं। बेहोशी वाले लड्डू? हाँ बालवी, जब तक ये दोनों बेहोश नहीं होंगे छलपरी कैसे मानेगी कि हमने सचमुच में परियों को आजाद करा लिया है। नटखट परी, अगर आप मेरे साथ नहीं होती तो मेरी ये योजना कभी सफल नहीं होती। गोपा गोपा, अरे मारे मुझे लात। हाथ छोड़ ना तू। गोपा थाली लड़कों की थाली। नटखट परी, अब मैं अपना कार्य पूरा करता हूँ। हाँ बालवीर। हे विजदार परी, जीतना है अच्छाई को बुराई को हटा के, होने लग जाए यहाँ छल लोक में बहुत सारे धमाके। लोक में धमाके कैसे हो रहे हैं? और इन धमाकों की आवाज तो कैद खाने की दिशा से आ रही है। कहीं बालवीर ने इस पर हमला करने की हिम्मत तो नहीं की? मैं अभी पता लगाती हूं।
तौबा तौबा गोबा गोबा, बेहोश पड़े। जरूर बालवीर ने इन्हें बेहोश किया होगा। बालवीर, 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 बालवीर! चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा छलपरी। मैंने जैसा कहा था कि मैं परियों को आजाद करा कर ले जाऊंगा, वैसा मैंने करके दिखाया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुनहरे ताले के होते हुए तुम परियों को आजाद नहीं कर सकते। आत्मविश्वास होना अच्छी बात है छलपरी, लेकिन अभी आत्मविश्वास खतरनाक भी हो सकता है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो खुद पीछे मुड़ के देख लो। देखा छलपरी, कैसे मैंने बिना इस सुनहरे ताले को खोले परियों को आजाद करा लिया, और अब मैं इन्हें लेकर परीलोक जा रहा हूं। रुबाट बाइक रह थोड़ा। असंभव, असंभव, असंभव है ये, असंभव है ये। जरूर बालवीर मेरे साथ कोई खेल खेल रहा है, खेल खेल रहा है, लेकिन इसका पता भी मैं लगा के रहूंगी, लगा के रहूंगी। छा जाए बुराई का अंधेरा काला, खुल जाए सुनहरा ताला। यहाँ तो सचमुच परियां नहीं है, मतलब बालवीर ने सचमुच परियों को आजाद करा लिया। बालवीर! हमारी योजना सफल हो रही है। मैं बालवीर को कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। नहीं, वो परियों को परीलोक नहीं ले जा पाएगा, नहीं ले जा पाएगा, नहीं ले जा पाएगा, नहीं ले जा पाएगा। लड़ो भाई, छल पर हमारे पीछे आ रही और हमारी योजना सफल हो गई, और आगे की योजना के मुताबिक मैं अदृश्य हो रहा हूँ। मेरे अदृश्य होते ही तुम बनाया हुआ पुतला मेरी जगह पर रख देना, ठीक है? और तुम अपना भी ख्याल रखना। है ठीक पाल, तुम जाओ। बालवीर, हमारी योजना सफल हो गई। अब चलो परियों को आजाद कराते हैं। चलिए। बढ़ाना नहीं, अपना एक भी कदम आगे, क्योंकि है आगे अब हम दोनों को होश। ठीक है, मैं अभी तुम दोनों के होश ठिकाने लगा देती हूँ। मामूली डंडा। मामूली डंडा? यो अच्छा नहीं कर रही तुम, बैठकर पड़ी। हाँ, देख लूंगा तुम्हें। अरे हमारा इस डंडे ने आ गया ये डंडा फिर से। नटखट परी, आपने तो सचमुच इनके होश उड़ा दिए, और तुमने छल परी के बाद भी। ये लीजिए नटखट परी, सुनहरा ताला। इस सुनहरे ताले को यहाँ रखना सुरक्षित नहीं,
इसलिए आप इसे परीलोक ले जाइए और मैं यहाँ परियों को लेकर आता। हाँ बाल, अरे आ गई है छलपरी रथ के काफी पास और छलोक से काफी दूर। यही समय मेरे सफेद मोती खाके यहाँ से परी लोग जाने का। गया कहाँ है मोती? गया कहाँ है सफेद मोती? अरे है आ रही है छलपरी रथ के काफी पास, करूँ क्या मैं? चल चल ल चल छल के वार से कोई नहीं बच सकता। जो छल से टकराएगा उसका यही हाल होगा। देखा बालवीर कैसे मैंने तुम्हारा और तुम्हारी प्रिय परियों का अंत कर दिया। बल्कि उनके पुतले हैं। इसका मतलब बालवीर ने मेरे साथ छल किया है, छल के साथ छल। बालवीर और परियों को इसकी कड़ी सजा दूंगी मैं। बालवीर, परियों आप सब ठीक तो है ना? हाँ बालवीर, हम सब बिल्कुल ठीक हैं। बालवीर, हमें आप पर पूरा विश्वास था कि आप हमें जरूर आजाद करवाओगे, क्योंकि बुराई के छल से अच्छाई का बल हमेशा दो कदम आगे रहता है। परियों, छल परी यहाँ किसी भी वक्त आती ही होगी, इसलिए हमें जल्द से जल्द परी लोग जाना चाहिए। हाँ मत। हाँ ये छल परी तो यहाँ वापस आ गई। अच्छा हुआ छल परी कि तुम खुद यहाँ वापस आ गई, और वैसे भी मेरा तुम्हें सजा दिए बिना जाने का मन नहीं कर रहा था। हो जाए छल परी की हालत ऐसी की तैसी, आ जाए एक लंबी सी रस्सी। अब इस रस्सी से बच के दिखाओ छल परी। बुराई की रानी छल परी है ये मेरी छोटी है, नहीं आपका जादू तो छोड़िए इसे। आप लोग कहाँ हो? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये अंदर के अंधे राजा इधर दिखाई दिए। अब अगर आपने हमारे ताऊजी के खिलाफ एक भी शब्द कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे बॉस हैं। आप जिन्हें अनपढ़ गवार देहाती कह रहे हैं ना, वो हमारे बुजुर्ग हैं, अतिथि हैं, और अतिथि के सम्मान की रक्षा करना हमारा फर्ज है। मैं अभी इसी वक्त तुम्हें नौकरी से निकाल देता हूं। कल से मेरी ऑफिस में कदम तक नहीं रखना। ये लो तुम्हारी नौकरी। यार 420, मैंने ताऊजी बनके इन लोगों को कितना परेशान किया, फिर भी इन्होंने दिल से मेरी सेवा की, हम लोगों को इतनी इज्जत दी।
यहां तक कि हमारे लिए झगड़ा भी किया है इन्होंने, और हम इन लोगों के साथ ही ऐसा बुरा कर रहे हैं। नहीं 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 यार, हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। जिंदगी में पहली बार किसी ने अपना समझ के इतना प्यार दिया है, और इसलिए आज पहली बार मेरे दिल में भी इनके लिए प्यार जाग गया है। वृद्धाश्रम खाली पड़ा है। ए, ताऊ जी कहाँ है? बहुत टाइम से दिखे नहीं। अरे नहीं नहीं बापू जी, उन्हें प्लीज मत याद करिए, वो हम लोगों से बहुत काम कराते हैं। अच्छा, थक गया। रॉकी फोन उठा। बापू जी मुझे दर्द हो रहा है ना। ए महेश फोन उठा। बापू जी ये रॉकी यहाँ बैठा है फिर भी फोन उठाने के लिए आपने मुझे बुलाया। हेलो हाँ माँ। बापू जी माँ का फोन है। स्मिता बच्चों माँ का फोन है। हाँ माँ कैसी हो तुम? दर्शन हो गए मस्त? अरे हाँ हम लोग सब ठीक है माँ। क्या ठीक है? कुछ ठीक नहीं है। हाँ कस्तूरी तुम यहाँ नहीं हो लेकिन तुम्हारे महके वाले हमारे पास सेवा करवा रहे। अरे कौन क्या हो तुम्हारे मदले ताऊ जी है क्या? एक मिनट फोन रखो मैं बाद में फोन करता हूँ। क्या क्या हुआ बापू जी? मुझे ही बात करनी थी। अरे शांति शांति। बापू जी क्या हुआ सब ठीक है ना? कस्तूरी कह रही थी कि उसका कोई ताऊ जी ही नहीं है। क्या? इसका मतलब ये है कि जो अंदर है वो ताऊ जी नहीं है? फिर वो है कौन? मुड़े भाई मुड़े भाई मामा जी होंगे। मामा जी होंगे। महेश सॉरी। ये क्या है माँ? ये बैग मुझे पैसेज में सिटिंग के नीचे मिला। खोलो 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 जरा देखो क्या है। ये तो महेश तेरा पर्स है ना? हाँ बच्चों की फीस। अरे दादाजी आपकी घड़ी। हाँ अरे ये सब तो वही सारी चीजें जो ढोकले ने खा ली थी। अरे यहाँ कैसे आई? ये तो वही सेवर जो अलमारी में पड़े थे। हाँ मतलब ये ताऊजी नहीं है चोर है। क्या चोर? चोर यार आज अगर हमने ये चोरी की ना तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने आज ये फैसला किया है कि जो बैग हमने सोफे के नीचे छुपाया है वो अभी इसी वक्त जाके मैं उन लोगों को दे दूंगा। फिर भले ही वो मुझे पुलिस के हवाले कर दे मुझे दुख नहीं होगा। एक काम कर महेश। हाँ पुलिस को फोन कर। बापू जी पुलिस के आने का इंतजार नहीं कर सकते हम। हमें सबसे पहले इन दोनों से निपटना पड़ेगा। काम करता हूँ। हाँ। मैं है ना ताऊ जी से निपटता हूँ। हाँ। आप लोग कुत्ते से निपटना। बापू जी आप हमेशा खतरनाक कब हमें देते हैं? अरे बेटा मैं जानवरों पे हाथ नहीं उठाता। वो तो हम भी नहीं उठाते। हाँ हम भी जानवरों पे हाथ नहीं उठाते लेकिन अब हम झाड़ू डंडा बेलन और बैट उठाएंगे। हाँ 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 तो जाओ तुम तीनों जाके ये सारी चीजें लेके आओ। जाओ जाओ ताऊ जी जरा बाहर आना। एक मिनट अरे ये ताऊ जी नहीं है। तो ताऊ जी कहाँ है? ढोकले ने ताऊ जी को खा लिया। अरे ए, ऐसे कैसे हो सकता है? वो दरअसल मैं ही ताऊ जी मैं ही ताऊ जी बन के आप सबको तंग कर रहा था। और हमें पता है तू ही चोर है। और चोर के साथ साथ बहरूपिये भी। और हमें पता है तू ही चोर है। और चोर के साथ साथ बहरूपिये भी। चलो अच्छा हुआ वरना मैं तो खुद ही आप लोगों को ये बात बताने आ रहा था। पकड़े जाने पर हर कोई यही कहता है क्यों माना? हाँ ले तुमने मुझे कब पकड़ा? देखो हम लोग तुम्हारी किसी भी बात में आने वाले नहीं हैं। मैं जानता हूँ
कि मैं आप लोगों का विश्वास खो चुका हूं, लेकिन सच यही है कि मैं आप लोगों का प्यार नहीं खोना चाहता। इससे पहले मैंने इस तरह से बहुत सारी चोरियां की है, लेकिन कभी भी मुझे उस बात का बुरा नहीं लगा। लेकिन आप सब से मिलने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं। आप सबका प्यार देख के मुझे लगा कि मैं वाकई में बहुत बुरा हूं, और अगर मैं सबसे बुरा काम करूंगा तो वो होगा आप लोगों का विश्वास तोड़ना, और मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। बापूजी, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, पर इसलिए मैं अपनी हर एक गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूं। मुझे माफ कर दीजिए। ये जो तेरे आंसू है ना, वो सच कह रहे हैं, और उससे पता चलता है कि तू अपनी गलतियों को सुधारना चाहता है। मेरा मन भी कहता है कि मैं तुझे माफ कर दूं, पर तुझे अगर तेरी गलतियों की सजा नहीं मिलेगी तो वो भी सही नहीं है। तू गलतियों की सजा पा लेगा ना तो तेरा मन भी हल्का हो जाएगा, तो तेरी जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी। जा बेटा, हमने तुझे माफ किया। हाँ, माफ किया। थैंक यू, आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। महेश बेटा, पुलिस को फोन लगाओ। लेकिन बापूजी, उससे पहले, अरे भाई, मुझे मेरी नौकरी तो वापस दो। नौकरी? हाँ? अरे अरे मतलब मेरी अंगूठी तो वापस दो, जिससे मैं मेरी नौकरी वापस लूंगा। ये लीजिए, आपकी नौकरी, प्रमोशन और बोनस, सब कुछ। मेरा चश्मा। ये माँ। सबको सब कुछ मिलेगा। हमें कैद से आजाद करने के लिए शुक्रिया बालवीर। अरे अब मेरा शुक्रिया मत कीजिए। अगर आप सबको शुक्रिया अदा करना है तो रटखट परी और मेरे मित्र डुबा डुबा एक का कीजिए, क्योंकि इनके साथ के बिना मेरी योजना कभी सफल नहीं हो सकती। शुक्रिया रटखट परी, शुक्रिया डुबा डुबा एक। नहीं परियों, हमें शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं। एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे की रक्षा करना, ये तो हमारा फर्ज है, है ना बाल परी? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। सोचा था इस बार मुझे मेरी शक्तियां मिल जाएंगी, लेकिन बालवीर ने भी ना सारा खेल खराब कर दिया। नाराज परी, आपने कुछ कहा? नहीं तो तुमने कुछ सुना क्या बालवीर? चलिए बालपरी, अब जल्दी से इस सुनहरे ताले को परीलोक के द्वार पे लगा देते हैं। नहीं, क्यों बालपरी? सुनहरा ताला तो हम परीलोक की सुरक्षा के लिए ही लाए थे ना। हम मानते हैं कि ये सुनहरा ताला हमारे परिलोक की सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन हमने ये भी देखा कि अगर ये किसी दुश्मन के हाथों लग जाए तो हमारे लिए बड़ा खतरा भी साबित हो सकता है। इसलिए हमने तय किया है कि अब हम इस सुनहरे ताले को नष्ट कर देंगे। माँ बिल्कुल सही कह रही, हमें इस सुनहरे ताले को नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि छल परी को इसके बारे में पता चल चुका है। आप हमें यहाँ क्यों लाए हो?
मैं तुम्हें यहाँ कुछ दिखाने के लिए लाया हूँ। हाथी मत दिखाना बॉस, वो तो हम रोज ही देखते हैं। बेवकूफ, बेवकूफ भी रोज ही देखते हैं बॉस। अब मुझे चुपचाप बताओ तुम्हें यहाँ सामने क्या दिख रहा है? पानी का टैंकर। यहाँ का पानी का टैंकर है? ये रहा। मैं तुम्हें जितना बोल रहा हूँ उतना करो। ऊपर देखो और बताओ मुझे क्या दिख रहा है? बॉस, एरोप्लेन उड़ता हुआ जा रहा है। एरोप्लेन से नीचे और बताओ क्या दिख रहा है? बस दिखा दिखा कौवा दिख रहा है। कौवे से भी नीचे और बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है? पेड़ दिख रहा है बॉस। पेड़ पे क्या दिख रहा है? आ गया देखो, वो देखो पत्तों के बीच में तुम्हें मधुमक्खी का छत्ता नहीं दिख रहा है? शर्माने चाहिए बॉस आपको, अब यहाँ तक हमें मधुमक्खी का छत्ता दिखाने के लिए लाए हो? नहीं, तोड़ने लाए हो हमें? नहीं, मधुमक्खी के छत्ते को। केवल हमारा बॉस पागल हो चुके हैं, अपने साथ से हमें भी मधुमक्खियों से कटवाएंगे। अरे भाग, केवल यहाँ से भाग। अरे बॉस आपको कटवाने तो कटवाओ, हम तो जा रहे हैं बॉस, प्लीज जाने दो हमें। रुको, मैं तुम दोनों जैसा बेवकूफ नहीं हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं मधुमक्खियों को पत्थर दूर से मारूंगा ताकि मधुमक्खी हम तक पहुंच ना सके और हमें काट ना सके, समझे? वेरी गुड बॉस, वेरी गुड। बस सर, बस जैसे ही आप इस मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ोगे हमारे लिए भी ताजी ताजी शहद लेके आना। जब देखो तब खाने की बातें करते रहते हो, मुक्कड़ कहीं के। मैं यहाँ छत्ते को तोड़कर मधुमक्खियों से मानव मेरे को कटवाऊंगा। क्या हुआ बॉस? फूल के पिद्दी आपकी बात मानते नहीं है, ये मधुमक्खी आपकी बात क्या खाक मानेगी? वो क्या है ना, वो मधुमक्खियाँ तुम दोनों से ज्यादा समझदार होती है, समझे? भूल गए, ये मानव महल की फेवरेट जगह, वो यहाँ अपना टिफिन खाने आते हैं। हाँ, तो उनकी जगह आज हम उनका टिफिन खाएंगे। नहीं, हम मानव महल का टिफिन नहीं खाएंगे, बल्कि जब मानव महल या उनकी फेवरेट जगह इस पेड़ के नीचे आएंगे, मैं इस मधुमक्खी के छत्ते को पत्थर मारूंगा और मधुमक्खियाँ मानव महल को काटेंगी और मजे से मेरा पेट भरेगा। वाह बॉस वाह, मतलब वाह बॉस वाह, जब मानव महल को मधुमक्खियाँ काटेंगी तब क्या मजा आएगा। अब तो बस मानव महल का यहाँ आने का इंतजार है। भड़क रही ये काक क्यों मेरी भाई? क्या मैं अरे डुबा डुबा एक क्या कर रहे हो? डुबा डुबा चार, पता नहीं क्यों है फड़क रही मेरी ये बाई आँख। हाँ है फड़क रही तुम्हारी बाई आँख, इसका मतलब है आने वाली तुम पे कोई बड़ी मुसीबत। क्या? हाँ पर होगा क्या, कैसे बचूंगा मैं इस मुसीबत से? वैसे डुबा डुबा एक इस मुसीबत से छुटकारा पाने का एक उपाय है मेरे पास। अच्छा है, वो कौन सा रास्ता जल्दी बताओ मुझे। हाँ, बस तुम्हें लगाना होगा एक काला टीका और ये मुसीबत दूर हो जाएगी। अरे तो लगा वो काला टीका जल्दी से और दे दो मुझे छुटकारा उस आने वाली मुसीबत से। है ठीक। है ठीक। नाक पे क्यों लगाया टीका? है नाक पे लगाने से टीका मुसीबत जल्दी दूर होती। ओ, लेकिन दुबड़बड़ चार, कोई बड़ी मुसीबत तो? तो क्या, लगाना होगा और बड़ा काला टीका। तो लगाओ ना और बड़ा टीका और दे दो मुझे छुटकारा डुबा डुबा चार। हो गया, अब बड़ी से बड़ी मुसीबत भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती डुबा डुबा। शुक्रिया डुबा डुबा चार, शुक्रिया।
वो तुम कितने अच्छे वो तो मैं हूँ तू जाता मैं है मुझे काम बाल परी से हाँ ठीक है भाली खुश रहो परियो खुश रहो बालवीर खुश रहो डुबा डुबा एक खुश रहो डुबा डुबा एक ये क्या कर दिया है आपने हाँ आपने अपना पूरा मुंह काला क्यों कर रखा है पूरा नहीं है लगाया बस एक बड़ा काला टीका और कुछ नहीं अच्छा तो फिर देख ये देखिए है क्या देखना इसमें बाल परी आप भी मेरे डर का फायदा उठाकर डुबा डुबा चार और डुबा डुबा तीन ने हे किया मेरे साथ मजाक अब मैं दूंगा उन्हें इसका जवाब डुबा डुबा चार डुबा डुबा तीन नहीं बालवीर तुम मत आना बीच में हूं मैं डुबा डुबाओं का सेनापति सेनापति के साथ मजाक नहीं छोड़ूंगा वैसे बालवीर सच कहे तो हमें भी डर लग रहा है आजकल आजकल हमें आपकी बहुत चिंता लगी रहती है लेकिन क्यों माँ जब तक बच्चों के प्यार का कवच मेरे साथ है और सच्चाई और अच्छाई मेरी ढाल है तब तक मेरे दुश्मन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हाँ बालपरी बालवीर को अपने दुश्मनों से निपटना अच्छी तरह आता है हम जानते हैं अटकाती परी बालवीर उन दुश्मनों से तो निपट सकता है जिन्हें वो जानता है लेकिन जब दुश्मन ही अपनों का रूप धारण कर ले तब उन्हें पहचानना और उनसे अपने आप को सुरक्षित रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है हमें इसी बात की चिंता हो रही अरे वाह आज माँ ने मुझे मेरा फेवरेट लंच दिया है तेरा तो सब फेवरेट है मैं तू भी तो मेरी फेवरेट बहन है बस मैं क्या कहता हूँ मधुमक्खी का छत्ता तोड़ने से पहले हम ना मानो मेरे से उनका टिफिन छीन लेते वरना बस बेकार में सारा खाना वेस्ट जाएगा वेस्ट नहीं टेस्ट कर रहा था तुम्हें खाना नहीं मेरा मुक्का खाना है और नहीं बस अब निशाना लगाओ नॉनसेंस आसमो ये लाइब्रेरी में रखना ये स्टाफ रूम में रखना ठीक है जनाब कहाँ बस अब एक नंबर के उल्लू हो उल्लू एक काम सही से नहीं होता आपसे तूने मुझे उल्लू कहा अरे बॉस बस इसके कहने का मतलब आप उल्लू नहीं आप चील बनो बस चील और सिर्फ अपने शिकार पे ध्यान दो और उस पर नजर रखो निशाना लगाओ बस निशाना लगाओ गुड बॉय मैं अगर बल्लू होता तो खाने में आज भी मजा आता हाँ ये बल्लू भी ना इसे बार बार स्कूल छोड़कर अपने चाचा के घर में जाना पड़ता अब तो एग्जाम भी शुरू होने वाली है पता नहीं क्या होगा कैसे कंप्लीट करेगा वो अपने नोट काश काश कुछ ऐसा होता जिससे बल्लू को अपना स्कूल नहीं मिस करना पड़ता मैं मेरे पास एक तरीका है बोल क्यों ना हम बल्लू के चाचा को भी हमारे स्कूल में एडमिशन दिलवा दें और फिर बल्लू अपने चाचा से स्कूल में मिल लेगा क्यों क्या बात है तू तो बहुत जीनियस है ना मैं जानता हूँ लेकिन क्या है ना मैं भाव नहीं खाता हाँ भाव नहीं खाता ना मानो मैं अभी तुम्हारी हंसी निकलेगी जैसे ये पत्थर मधुमक्खी के छत्ते को लगेगा मधुमक्खियां तुम्हें काटेगी और तुम दोनों रोओगे आ
कौन मुझे पत्थर मार रहे हैं बार बार? इसीलिए सही खाए बॉस, गधे की जितनी मालिश कर लो ना तो कभी घोड़ा नहीं बन सकता। तूने मुझे गधा कहा? मन तो बहुत कर रहा है बॉस तारीफ करने का, लेकिन हम आपकी तारीफ तब भी करेंगे जब आप उस पर निशाना लगाओगे। तो आप निशाना लगाओ, और बॉस सही से निशाने लगाने के लिए जैसे हम कहते हैं वैसा करो। क्या करना होगा बोलो। तो ध्यान से निशाने लगाने के लिए भी आग बंद करो, और अब ध्यान से उस मधुमक्खी के छत्ते को देखो। अगर आंखें बंद है तो मधुमक्खी का छत्ता कैसे दिखेगा? अरे बॉस, हमने सिर्फ एक आग बंद करने को कहा था। ओ, ओके। हाँ। ओ, तो ये मोंटो गुलेल से मुझे पत्थर मार रहा है, लेकिन इसका निशाना तो, अरे बाप रे, मोंटो मधुमक्खियों के छत्ते पे निशाना लगा रहा है। अभी इसे रोकता हूं वरना मधुमक्खियां बच्चों को काट लेंगी। मानवेन, तुम लोग जाओ यहां से। क्यों सर? अरे जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो, जाओ यहां से। ठीक है सर। अब मुझे सिर्फ छत्ता दिखाई दे रहा है, इस बार मेरा निशाना पक्का है। मानवेन, रोने के लिए तैयार हो जाओ। फाइनली चिल्लाने की आवाज आ गई। अरे मानो मेरे के चिल्लाने की आवाज नहीं आ रही, सर के चिल्लाने की आवाज आ रही है। देखो से। देखिए सर। देख ही रहा हूं। अरे मुझे देखिए सर। अच्छा तुम्हें देखना। देखिए सर, देखिए मोंटू की वजह से, देखिए मेरा मुंह का क्या हाल हुआ है सर। मिस्टर लखानी, देखिए आपके मोंटू की वजह से मुझे कितनी चोट लगी है। बाकी और बच्चों को लग जाती तो। हाँ मिस्टर लखानी, इस बार तो बात बहुत बढ़ गई। सॉरी सर। देखा, मतलब सुना, मेरे मोंटू ने सॉरी बोल दिया। एक बार सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा। तो ठीक है, मैं दो बार सॉरी बोलता हूँ। सॉरी सॉरी। देखा, मेरा मोंटू कितना प्यारा बच्चा है। आपने कहा नहीं, फिर भी दो दो बार सॉरी बोल दिया इसने। सर मैं तो कहता हूं जाने दीजिए। तो जाइए ना, आपको किसने रोका है? अरे सर, मुझे नहीं, मोंटू की गलती को जाने दीजिए। हर बार जाने दिया सर, लेकिन इस बार नहीं। बल्कि मैं तो कहता हूं
के मोंटू के लिए अच्छा होगा कि आप इसको हॉस्टल में भेज दीजिए। हॉस्टल? पापा नहीं। प्रिंसिपल सर, आप इन्हें समझाइए ना, मोंटू ने सॉरी बोल दिया ना, बात खत्म करो। नहीं नहीं मिस्टर लखानी, नहीं, इस बार मोंटू के यहाँ से जाने से ही बात खत्म होगी। आई एम सॉरी बट प्लीज आप इसे हॉस्टल भेज ही दीजिए। पापा ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मोंटू हॉस्टल में रहे तो मोंटू हमारे पंचगिनी वाली स्कूल के हॉस्टल में रहेगा। लेकिन पापा। अरे बेटा तू टेंशन मत ले, वो भी हमारी स्कूल है, तुम वहां अच्छे से करो। नहीं बेटा अच्छे से पढ़ाई करना। कहां लेकर जा रहे हो तौबा तौबा तुम? तौबा तौबा, तुम मुझे यहाँ मायावी खाई में क्या दिखाने लाए हो? दिखाने नहीं लाया हूँ, गिराने। क्या आप? तौबा तौबा, तुम्हें मालूम है ना इस मायावी खाई में जो भी गिरेगा वो जिंदा नहीं बचेगा, तो तुम क्या मुझे यहाँ गिराने लाए हो? चाहता तो हूँ मैं यही। तौबा तौबा। लेकिन होता है क्या चाहने से, इसलिए है गिराना हमें बालवीर को इस मायावी अग्नि खाई में। क्या बकवास कर रहे हो तुम? और है इसके लिए भेजा परी भयंकर ने ये संदेश पत्र तुम्हारे लिए। क्या लिखा है इस चिट्ठी में? कुछ नहीं है, लिखा इसमें यही कि नाराज परी होगा मानना आपको, इस महान शूरवीर श्री श्री तोबा तोबा जी को अपना राजा और करनी होगी इसकी सेवा, बस इतना ही। तोबा तोबा। नाराज परी, तुम्हें बालवीर को इस मायावी अग्नि खाई में गिराकर उसका अंत करना होगा। वाह भयंकर परी, जब तुम्हारे लिए सारे रास्ते बंद हो गए तो तुम्हें अंत में आकर नाराज परी का दरवाजा खटखटाना ही पड़ा। अब आएगा मजा। तौबा तौबा, जाओ और जाकर भयंकर परी से लाख की मिट्टी लेकर। लाख की मिट्टी? लेकिन होगा क्या उससे? लाख की मिट्टी से मैं इस खाई के आगे एक नकली जमीन बनाऊंगी, जो कि ऊपर से तो बहुत सामान्य जमीन दिखेगी पर अंदर से वो कच्ची हो खोखली, और फिर मैं बालवीर को यहाँ इस जमीन तक लेकर आऊंगी। लेकिन अगर, गौर से सुनो, अगर इस कच्ची जमीन पे बालवीर की जगह हो गई खड़ी आप, तो सीधे जाओगी आप इस मायावी अग्नि खाई में? नहीं 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 तौबा तौबा, मैं इस खाई के अंत में एक निशान लगाऊंगी जिससे कि मुझे पता चल जाएगा कि खोखली जमीन कहां से शुरू होती है और असली जमीन कहां खत्म होती है, और फिर मैं बालवीर को बहका कर उस नकली जमीन तक ले जाऊंगी। अब बालवीर को तो पता नहीं है ना कि ये खोखली जमीन है। बोलो, जैसे ही वो अपना पैर यहाँ पे रखेगा वो सीधा इस मायावी अग्नि खाई में गिर जाएगा। वाह, क्या निकाली आपने युक्ति नाराज परी। वाह, अब कोई नहीं बचा पाएगा उस बालवीर को इस मायावी अग्नि खाई में गिरने से। अरे वाह, बचाइए मुझे नाराज परी, बचाओ। अब क्या हुआ महावीर शूरवीर तीनों लोगों के राजा तौबा तौबा जी? बोलो बोलो। नहीं हूँ, नहीं मैं राजा हूँ, मैं आपका सेवक, कर दो मुझे माफ, हूँ मैं जोड़ता आपके आगे अपने, कर दो मुझे माफ। हुई गलती? तू नहीं मैं राजा।
तौबा तौबा तो बच गया, लेकिन तुम बालवीर तुम कैसे बचोगे मुझसे?